ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड के अंतर्गत प्रस्तुत है बिफोर जॉय चक्रवात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर के जैनामणि, राष्ट्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के प्रमुख और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कुछ दिनों पहले अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय को लेकर इसके प्रभावों से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। 6 जून को उठे इस चक्रवात के प्रभाव को लेकर पहले ही इसकी लंबी अवधि यानी लगभग 10 दिनों तक रहने का अनुमान लगा लिया गया था। भारत में आए चक्रवातों में ये हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। 12 जून को मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवात के मार्ग बदल देने के बाद 14-15 जून को गुजरात के कई जिलों के चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना जताई थी। साथ ही इन क्षेत्रों में भारी बारिश के अनुमान के साथ ये भी बताया गया था कि 16 जून को ये चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ बढ़ेगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई थी। इस स्थिति को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी और राहत और बचाव की स्थिति के मद्देनजर बड़ी मात्रा में लोगों को संवेदनशील स्थानों से निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचा दिया गया था। स्थिति के सामान्य होने के लिए सुविधाओं को बहाल करने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात के मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बीते 12 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया था कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को गुजरात सरकार की ओर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल सभी जरूरी सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित किया जाए। चक्रवात की वजह से नुकसान के स्थिति में ये सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया था कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे कार्य करने का भी निर्देश जारी किया था। चक्रवात बिपरजॉय अब सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ चला है और ये गुजरात और कच्छ के क्षेत्र में इसके पहुंचने से जैसा कि अनुमान रहा था कि बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी स्थिति गंभीर है। मौसम विभाग के मुताबिक हमें जानकारियां पढ़ने सुनने को मिल रही थी, लेकिन आज हम इस चक्रवात और चक्रवात की पूरी गतिविधि पर चर्चा कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं आर के जीनामणि, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप और नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के प्रमुख हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे हम चक्रवात की स्थिति को लेकर आज से कल तक की क्या अपडेट रही हैं और अभी क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर। देखिए अभी मतलब जो है वो 1430 का जो है ऑब्जर्वेशन पर 1100 किलोमीटर अराउंड जाकू का पश्चिम में है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ रहा है और ये रात तक क्रॉस करेगा जाखू पोर्ट के क्लोज टू जाखू और इसके वजह से जो विंड स्पीड ऑलरेडी मतलब बढ़ रहा है तो इनकी जो और रात में ये बढ़ के 115-125 रस्टिंग टू 140 किलोमीटर रहेगा। रेनफॉल भी दिन भर हुआ हैवी रेनफॉल जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और जो हमारा सौराष्ट्र कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे देवभूमि द्वारका है, कच्छ है और उसके सराउंडिंग में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगा और मैंने जैसे बताया कि रात तक देर रात तक जो है चलेगा 115-125-140 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा ऑलरेडी जो है एज पर एसओपी हम लोग आफ्टरनून से जो है एक घंटा का गैप में अपडेट रात तक दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इसकी गति, हवा की गति बहुत तीव्र एक तरह से उस श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, तो कैसे जो हवा की ये तेज गति है इसको कितना गंभीर बना रही है? देखिए हम तो ऑलरेडी मतलब आम आदमी का जो लैंग्वेज है कि जैसे कोई भी पेड़ या कोई भी लूज ऑब्जेक्ट है या जैसे टेलीफोन टॉल ऑब्जेक्ट है, कोई टेलीफोन का टावर है या कोई पावर लाइन्स का अगर स्ट्रक्चर लूज है तो उसको तो ब्रेक करेगा और उसके साथ साथ जो कच्चा मकान है और इवन जो पुराना बिल्डिंग है एक तो रेन है बहुत ज्यादा बारिश होगा और उसी के साथ साथ जो 2-3 मीटर का जो समुद्री आएगा जो टाइडल
सार्ज बोलते हैं, तो हम लोग ये देखे रखे हैं जो कोस्टल एरिया है मेनली कच्छ और द्वारका जो समुन्द्र का तट का पास इलाका है, तो फ्लैश फ्लड भी हो सकता है क्योंकि एक तो समुद्र पानी है उसके साथ साथ बारिश है और विंड भी तो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, तो इसलिए जो निचले इलाका है वहाँ पानी जम जाएगा। तो सभी लोग को कोस्टल एरिया से तो ले गए सारा सेफ्टी की जगह में गवर्नमेंट आज सीट से, तो इसलिए सभी लोग ने अपने अपने जगह पर पूरा रात भर रहे, और जब तक ये डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि अभी साइक्लोन क्रॉस कर गया और वीक हो गया और अभी स्टेप है, तब फिर लोग अपना अपना स्थान जाए या अपना अपना एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरकार के साथ जो योगदान देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो सरकार या जो मैनेजमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या आपको जहां रखा जाता है जो लोलाइंग एरिया में है जो निचली इलाका में स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली हमारा जो डिफरेंट रहते हैं या कोई टूरिस्ट है जैसे सोमनाथ मंदिर है या द्वारकाधीश मंदिर है तो वहां भी आना और ट्रेन सब बंद है, तो ये सब को फॉलो करे और माने और न जाए कोई भी जगह जहां मना है टाइम टू टाइम। ये जब चक्रवात आता है ना वो मानना बहुत जरूरी है अपने सेफ्टी के लिए है, इसलिए सरकार जो बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं या जैसे हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन या कोई भी मीडिया चैनल अपने को सोशल मीडिया से अपडेट रखे टाइम टू टाइम अपडेट, ये जो सौराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात का जो बाकी एरिया है वो बहुत जरूरी है नेक्स्ट एटलीस्ट 36 आवर्स तक। जी बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और ये जरूरी भी है हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना। चक्रवात विपर्जॉय और जो दूसरे चक्रवात हैं उसके मामले में हम देखते रहे हैं कि कई बार ये अपने मार्ग बदलते हैं और इसकी जो तीव्रता है वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो चक्रवात विपर्जॉय को लेकर ऐसे में क्या स्थिति रही है अभी, मतलब इसकी तीव्रता को लेकर के कभी कम कभी ज्यादा कभी रास्ता बदलता है, तो ऐसे अनुमान जो प्रेडिक्शन हमारे पास आती हैं उसको लेकर कितना अपडेट रहना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो चक्रवात है ये तो काफी लंबा दिन चल रहा है और हमारा जो 6 जून से ये जो पूर्व जो हमारा दक्षिण पूर्व जो अरब सागर लक्षद्वीप से इसकी गठन या उसकी शुरू हुआ और सीधा मतलब आप देखिए कि 9 दिन हो गया ये आगे बढ़ा, तो ये जो विपर्जय है ये काफी लंबा इनके लाइफ पीरियड रहा मेरे ख्याल से इवन इतिहास में ये हम जो देखे हैं वो मैक्सिमम 9 से 10 दिन है, बट इसका जो है जैसे आज क्रॉस कर जाएगा तो 16 जून से 17 जून काफी लंबा है वो एक ये सिस्टम का सबसे बड़ा है। और दूसरा एक है कि इनकी जो बार बार जो है इनका पथ परिवर्तन करना है, कभी उत्तर उत्तर पश्चिम है कभी उत्तर उत्तर पूर्व है कभी उत्तर के दिशा में है, तो ये जो 9-10 दिन लाइफ पीरियड में और इसकी इंटेंसिफिकेशन जो है वेरी फास्ट जो हमारा 12-13 तारीख या 11-12-13 जो था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ कल वीक होके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके आज आगे बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो इनकी इतिहास और हिस्टोरिकल है बट लेकिन हमारा प्रेडिक्शन जो होता है 5 दिन का होता है और हम जैसे बताया कि जो जखाऊ कोर्ट है और हमारा जो मांडवी और कराची के जो बीच एरिया है हमारा सौराष्ट्र का जो पाकिस्तान का जो कोस्ट है वहाँ हिट करेगा वो लगभग करेक्ट अभी तक आ रहा है और इसमें तो हम ऑलमोस्ट लास्ट 48 आवर्स 72 आवर्स ये प्रिडिक्शन देते रहे हैं और इसकी वजह से सारा जो प्रिपरेशन है और सारा आप हमारे जो सभी मतलब सुनते होंगे कि पिछले 3 दिन से सेंट्रल लेवल पर गुजरात स्टेट लेवल पर हाईएस्ट अथॉरिटी जो है कोऑर्डिनेशन में है, तो ये एक मतलब जैसे अर्लियर जो तौते है या जैसे अम्फान है या फोनी है इसकी तरह से ये इतना इंटेंस नहीं है जी। तो उसमें तो ज्यादा विंड था इसमें 115-125 किलोमीटर पर आवर होगा लेकिन फिर भी ये विंड काफी स्ट्रांग है और प्रिपेरेशन गवर्नमेंट का तो रहता है ऑलमोस्ट फुल प्रूफ। अच्छा, मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी हमें खबरों में सुनने और पढ़ने को मिल रही है कि गुजरात के अलावा जो दूसरे 9-10 राज्य हैं उसमें भी इस चक्रवात का असर निकल रहा है। आपका मतलब मैं यही बोलूंगा जैसे देर रात तक ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर जो है इसकी जो पथ है वो तो क्रॉस करेगा सीवियर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो जब क्रॉस करेगा इसकी प्रेशर फॉल रहेगा और सिस्टम इंटेंस रहेगा तो ये राजस्थान आएगा 16-17 तारीख को, जब राजस्थान आएगा इसका रेमिनेंट आएगा साइक्लोन नहीं आएगा इसका रेमिनेंट आएगा
छोटा मोटा सिस्टम जैसा हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऐसे बन के आएगा। इसके वजह से तो हवा का तो काफी रिडक्शन होगा, जो स्पीड है 40-50-60 किलोमीटर रहेगा, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बारिश ज्यादा होगा। जो हमारा दक्षिण का राजस्थान का हिस्सा है, जैसे पश्चिम राजस्थान का, जैसे चाहे गंगानगर, बाड़मेर और उसके आसपास जो पाकिस्तान का इलाका है, और हमारे फिर धीरे धीरे 17 तारीख को जो कोटा, उदयपुर, तो ये सारा जो है बारिश के चपेट में रहेगा। हो सकता है कि जैसे हमारा, क्योंकि वहाँ काफी हिल्स रहता है, जैसे जो हमारा पर्टिकुलरली जो माउंट आबू इलाका है, तो ये सब इलाका में ज्यादा रेन हो सकता है, जिसके वजह से रेन का, तो इसलिए हम लोग उसको भी ऑरेंज और रेड कलर में 16-17 को रखे हैं राजस्थान को, और धीरे धीरे 17-18 को मध्य प्रदेश में भी हैवी रेनफॉल आजू बाजू में होगा। तो हमारा स्टेट तो सभी लगा हुआ है, तो कोई वेदर सिस्टम तो कोई बाउंड्री नहीं देखता, तो लेकिन ये सिस्टम रह सकता है 16-17 को इसका रेमिनेंट, और बारिश और दिल्ली में भी क्लाउड दिखाई देगा। तो अच्छा विपर्जॉय की जैसे आपने चर्चा की कि पिछले कई सालों में ये एक लंबा चक्रवात रहा है, और हम आंकड़ा भी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला ये पहला तूफान होगा। इससे पहले अगर मैं देखूं तो पोरबंदर के पास ये 25 साल पहले टकराया था, जिसकी स्पीड जो हवा की थी वो लगभग 166 AMPF की रफ्तार से। हाँ, वो जो 1998 वाला, हाँ, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म एक क्रॉस किया था जून महीने में, और दूसरा था एक ओनली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, वो भी गुजरात को। तो अभी तक जो है दो हुआ था पिछले ऑलमोस्ट 65-70 ईयर्स में, और ये थर्ड सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम का यूनिकनेस यही है कि ये काफी लंबा दिन रहा, वो सिस्टम इतना लंबा दिन नहीं रहा, और हम पूरा बंगाल का खाड़ी और अरब समुद्र का दोनों कंबाइंड करके हम ये बोल रहे हैं। देखिए, दो सिस्टम अभी तक है पिछले 60 इयर्स में, जैसे कैर एक सिस्टम हुआ था अक्टूबर महीना में, और अरेबियन सी में के वायु भी था, लेकिन वो लोग 9-10 दिन लाइक पीरियड रहा, बट ये सिस्टम जो है उसको भी ब्रेक कर रहा है। ये 6-16 तक रहेगा, तो मोर देन दैट 11 दिन ऑलमोस्ट इनके अवधि रहेगा। काफी लंबा सिस्टम है, इतना लोअर लैटिट्यूड में बन के आगे गुजरात कोस्ट क्रॉस करना काफी मतलब यूनिक है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और तो चर्चा को समाप्त करते हुए हम राहत और बचाव कार्यों की भी चर्चा करते चलें कि राहत और बचाव कार्य मुस्तैदी से हो रहे हैं, और प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की लगभग 33 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को तैनात रखा गया है, और इन इलाकों में चक्रवात के असर के कम होने के बाद अगर यातायात और बिजली की व्यवस्था बहाल करने के लिए जो मदद चाहिए उसके लिए भी बड़ी मात्रा में टीमें बनाई गई हैं। और गुजरात के जो 8 तटीय जिले हैं उनमें लगभग 75,000 नागरिकों को अस्थायी शिविरों में ले जाया गया है, और अकेले कच्छ जिले से लगभग 34,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कच्छ जो जिला है वहां साइक्लोन से प्रभाव की ज्यादा संभावना देखने को मिली। और रेलवे ने भी इस मामले में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में लगभग 67 रेलगाड़ियां रद्द की हैं और 25 के मार्गों में तब्दीली की है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आरके जीनामणि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और चक्रवात विपर्जॉय से संबंधित जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विपर्जॉय चक्रवात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के प्रमुख आरके जीनामणि और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।